जगहों की बात करें तो एलिफेंटा केव्स उसमें ज़रूर आता है। और इसकी खास बात यह है कि एक आइलैंड में है जहाँ जाने के लिए फेरी से जाना पड़ता है। इन दिस वीडियो वी विल एक्सप्लोर एलिफेंटा केव्स, नो हाउ टू रीच द टोटल कॉस्ट और जानेंगे ये रहस्यमय गुफाओं का राज। What's up guys, it's Krishma and welcome to my channel. So today I'm exploring Elephanta Cave which is in Mumbai, which is a tourist attraction here. It's located on an island and यहाँ पे आने का भी एक adventure है to go through the ferry. So यहाँ पे आप कैसे आ सकते हो, what all attractions are here and इसका history, ticket price, travel, food, shops and all everything and the whole experience कैसा होगा Elephanta Caves का, to know this keep watching this video. I'll give you a full detail tour of this place and let's go see Elephanta Cave and know about it. एलिफेंटा केव्स ये एक आइलैंड पे लोकेटेड है जहाँ आने के लिए फेरी ये एक ही ऑप्शन है। यू कैन गेट द फेरी फ्रॉम द गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई। गेटवे ऑफ इंडिया के बाजू में है इज द टिकट काउंटर वेयर यू कैन टेक द टिकट टू एलिफेंटा केव्स। द टिकट कॉस्ट ₹260 एंड इट टेक्स 1 आवर ऑन द फेरी। एवरी 1 आवर में फेरी आता है सो यू कैन टेक इट देयर। Once you get the ticket, enter the Gateway of India and on the left side is where you can board the ferry. The ferry ride is smooth and great through the Arabian Sea. 1 ghanta lagta hai to reach the Elephanta Caves. ₹10 extra dene pe you can go on top of the ferry and sit and enjoy the view from the bow. Once you reach the island, I would recommend to board the mini train for ₹10 to skip the long walk in the sun. From the jetty point to here, this is the market area and यहाँ से चल के जाना है to Elephanta Caves. The train ride is much more convenient. It's 10 rupees per person and इतने धूप में चल के जाना नहीं पड़ता है. You get the smooth ride as well. And यहाँ से आगे market area में have made shades तो अच्छा पड़ता है धूप में चलने के लिए. So that is nice. Elephanta Caves, there are many shops over here having gift items, having clothing, having hat and souvenirs that also you can buy on the way while going to the cave. And you know, it's such me bahut acha kiya ye chhat bana ke because bahut dhoop hai. And to go to the caves you have to go through a slope and slope ke wahan se kuch kuch jagah pe steps hai, so it's a bit tiring. So bring your water, bring your food while going there. मिनी टॉय ट्रेन से उतर कर देयर इज अ वॉक टू एलिफेंटा केव्स। यहाँ पालकी का ऑप्शन भी है दैट यू कैन टेक और चल के जाएंगे तो कुछ 15-20 मिनट्स लगता है आराम आराम से रुक रुक के जाने के लिए। थोड़ा टायरिंग ज़रूर है पर दोनों साइड बहुत सारे शॉप्स हैं तो देख देख कर जाने को थोड़ा माइंड डाइवर्ट होता है। टू बीट द हीट आई हैड अ लेमन सोडा विच वॉज सो रिफ्रेशिंग एंड फ्रेश। तो ऐसे ही आराम आराम से जाकर यू विल रीच द एलिफेंटा केव्स। टेक अ टिकट ऑफ ₹40 पर पर्सन। तो हमने दो जगह पे टिकट लिया, फर्स्ट ऑफ ₹5 देन ऑफ ₹40 एंड नाउ वी आर एंटरिंग द केव। आई कुड सी द फर्स्ट केव एज सून एज वी एंटर, सो लेट्स गो इनसाइड एंड देखते हैं ये केव को और करीब। हिंदू गॉड शिवा एंड उसका मेन जो स्कल्पचर है विच इज़ द त्रिमूर्ति, जिसमें तीन भगवान है। फर्स्ट वन बीइंग द लॉर्ड शिवा, सेकेंड इज द योगेश्वरा एंड द थर्ड वन इज नटराज। अगेन देर आर लाइक 5 हिंदू केव्स एंड अदर बुद्धा स्तूपाज एंड स्कल्पचर्स दैट आर इन दिस केव। एंड यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स भी है विच हैव बीन डिफेक्टेड ड्यू टू टाइम। दिस प्लेस बैक बिफोर लाइक फॉर 20-15 ईयर्स अगो से अभी कंपेयर किया तो बहुत ज़्यादा मेंटेन्ड है। इट्स क्लीन एज वेल एंड इफ़ यू कम हियर मेक श्योर दैट यू डू नॉट लिटर। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ पीपल लिटरिंग हियर एंड देयर विच मेक्स द प्लेस लुक सो बैड। आई होप दिस हेरिटेज साइट इज सेव्ड एंड प्रिजर्व्ड एंड लेट्स मेक इट ऑल। द एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ द आइलैंड एंड द केव्स इज नॉट फुली नोन बट अकॉर्डिंग टू द आर्कियोलॉजिकल स्टडीज It is believed to be of the 2nd century BC. और ऐसा भी कहते हैं that the cave temples were built between 5th and 6th century.
The island on which the caves are located is also called as a city of caves or local language mein Gharapuri. Elephanta Caves is a collection of 7 rock cut caves and it has also been declared as a UNESCO World Heritage Site. Cave 1, jise Great Cave bhi kehte hai, is the largest one and also the most elaborate one. Here you'll find fascinating statues and sculptures, some of which are even 20 feet tall. Caves was named by the Portuguese when they came to India. They discovered this island over here, an island where they found the elephant statues, and hence they named this place Elephanta Caves. But before the Portuguese rule, this was actually a place of worship. But after the Portuguese rule, wo sab band ho gaya tha, and they created this as a place. So this is the Sabha Hall. यहाँ पे meetings वगैरह वो ज़माने में होते थे. Students and the members used to sit over here, and the leader used to conduct meeting right over there on the top. वो stage जैसा बनाया था from where they could conduct meeting. And यहाँ पे ऐसा structure है that the voice echoes and can hear a lot louder. And हर एक कोने में if you notice, कुछ ना कुछ design, a little bit of design here and there has been added, which gives this place so much character. बहुत ही unique design है. स्टोन से बना हुआ है एंड उस जमाने में ये स्टोन को कार्व करके ईच एंड एवरी पिलर को बनाया गया है, विच इज सो इंटरेस्टिंग. Island is about 2 kilometers, and itna chota sa island hai, and this is only connected via the ferry rides that operates from 10 a.m. to 2 p.m. in the afternoon, and after that till 6 p.m. you can go from Elephanta Cave to Mumbai back. So ye time yaad rakhna. And also one more thing that is a very important thing, on Mondays Elephanta Cave is closed, so do not come here during the Mondays, and I would recommend as early as possible you can come so that itna dhoop nahi chadega and you can enjoy and see all the attractions. बहुत सारे मंकीज है, सो बी वेयर ऑफ द मंकीज. इवन इफ यू हैव सम फूड आइटम विद यू, दे विल कम एंड वो लोग वहाँ से छीन लेते हैं. मेरे साथ 2 बार हुआ. इन फैक्ट वन, आई हैड नो फूड आइटम, देन टू द मंकी रैन बिहाइंड मी एंड आई वॉज रनिंग लाइक अ फनी पर्सन. एंड द सेकेंड टाइम आई हैड अ कोल्ड ड्रिंक का बॉटल एंड देन टू द मंकी केम एंड ग्रैब्ड फ्रॉम माई हैंड, सो इट वॉज वेरी स्केरी. सो बी वेयर ऑफ द मंकीज वाइल यू कम टू दिस प्लेस. दूर से ही देख के निकल जाना, दैट इज़ वॉट आई वुड से. Although the Elephanta Caves is located on the Arabian Sea, which makes the place hot and humid, but surprisingly, caves ke andar thandahat hai, as the caves are made out of stone. Also, it is believed that the idols and statues were once painted, and there were writings on the cave walls too, but with time, it has been washed away. रेस्टोरेंट एंड होटल ओवर हियर, सो हमने यहाँ पे लंच के लिए रुके हैं. दिस प्लेस हैज़ अ स्टनिंग व्यू ऑफ द ओशन विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ इट, सो वी आर हैविंग लंच विद अ व्यू विच इज़ अमेजिंग, एंड ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही, विच इज़ ऑल्सो ग्रेट. ये गर्मी में यहाँ पे बहुत कामिंग एंड कूल लग रहा है, सो दैट इज़ ऑसम. At the MTDC restaurant over here. This restaurant में 2 rooms भी available है, but ये night stay के लिए नहीं देते. These are only day rooms. If you want to rest for some while, you can come here and book a room. Otherwise, you can come here for the food, which has great view. The food was average, but the view was the star of the show. Later, we boarded the return ferry back to the Gateway of India. The last ferry from Elephanta Cave is at 6 p.m. so make sure that you leave before that. Vlogging in public is like so awkward. Alright you guys, so this was my trip with Elephanta and I hope you got to know how to come here, how to you can explore and see, and also got to know about the history of the place. I hope you enjoyed this video, and if you did, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel, and I'll see you in a new place in a new city. Bye bye.